नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों को देखते हैं। रंजिश में जान गई है। जालौन में पुरानी रंजिश को लेकर एक अधेड़ की हत्या की गई। सरेआम गोली मारकर अधेड़ की हत्या की गई है। जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह मौके पर पहुंचे हैं। मौके से जुटाई गई है घटना की पूरी जानकारी। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला की है। 2020 गाय को लेकर राशिद और अमीर हमजा का विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई थी और इस घटना के बाद से इनमें रंजिश चली आ रही थी, जिसके बाद ये हत्या हुई। मामले की जांच की जा रही है, साथ ही हत्यारोपियों की तलाश यहां पर की जा रही है। तलाश की जा रही है कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जा सके, लेकिन आपसे रंजिश वजह बताई जा रही है इस मौत की। जालौन में पुरानी रंजिश को लेकर अधेड़ की हत्या की गई। सरेआम गोली मारकर अधेड़ की हत्या की गई। जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह मौके पर पहुंचे। मौके से घटना की पूरी जानकारी जुटाई गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इधर घटना कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला की है। 2020 में गाय को लेकर राशिद और अमीर हमजा का विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई थी और इस घटना के बाद से ही इनमें रंजिश चली आ रही थी, जिसके बाद यह हत्या हुई। मामले की जांच की जा रही है, साथ ही हत्या के आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर में 25 दिन बाद मिला रेप पीड़िता को इंसाफ। 25 साल से फरार दुष्कर्मी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो मुजफ्फरनगर में 25 साल बाद रेप पीड़िता को इंसाफ मिला है। 10 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। विशेष कोर्ट पॉक्सो न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। 1989 में थाना मंसूरपुर क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। 1995 में आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ था। दुष्कर्मी जहीर हसन तभी से पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक कर फरार हुआ था। आरोपी जनपद बागपत के परड़ा गांव में प्रधान बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आखिरकार 25 साल बाद यहां पर इंसाफ मिला है रेप पीड़िता को। मुजफ्फरनगर से अहम खबर है, जहां 25 साल से फरार दुष्कर्मी को कोर्ट ने सजा सुनाई। 10 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना इस पर लगाया गया है। विशेष कोर्ट पॉक्सो न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। 1989 में थाना मंसूरपुर क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण किया गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 1995 में आरोपियों पर यह दोष सिद्ध भी हुआ था। दुष्कर्मी जहीर हसन तभी से पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक कर फरार हुआ था। आरोपी जनपद बागपत के पडरा गांव में प्रधान बनने की तैयारी कर रहा था। पंचायत चुनाव के लिए सतर्कता। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अलर्ट है। एसएसपी अभिषेक यादव ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग ली। जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण और समस्त थाना प्रभारी यहां पर मौजूद रहे। एसएसपी ने मीटिंग में सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में निगरानी कराने के निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम के लिए प्रभावी है पुलिस पेट्रोलिंग की जाए। थाना क्षेत्र में स्थित बैंकों, पेट्रोल पंपों, एटीएम स्थलों पर भी सतर्क दृष्टि यहां पर रखी जाए, ये कहा गया है। सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि अलर्ट मोड पर यहां पर पूरी तरह से रहें। पंचायत चुनाव के लिए ही सतर्कता बरती जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अलर्ट किया गया है। एसएसपी अभिषेक यादव ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग ली। जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण और समस्त थाना प्रभारी यहां पर मौजूद रहे। एसएसपी ने मीटिंग में सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में निगरानी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थाना क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम के लिए भी प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग की जाए। थाना क्षेत्र में स्थित बैंकों, पेट्रोल पंपों, एटीएम स्थलों पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाए। कुशीनगर में सिलेंडर फटने से किराने की दुकान यहां पर राख हुई है। मिठाई बनाने युवक का हाथ झुलसा है। दुकान में रखे 50 नकद और हजारों का सामान जलकर राख हुआ है। भयानक आग के आगे बेबस यहां पर लोग दिखे। किराने की दुकान में मिठाई बनाते हुए यह हादसा हुआ था। जटहा बाजार थाने के मनसा छापर बाजार में यह घटना हुई है, जहां भयानक आग लगी दुकान में रखी नकदी और हजारों का सामान भी जलकर राख हो चुका है। कुशीनगर में सिलेंडर फटने से किराने की दुकान यहां पर राख हुई है। मिठाई बना रहे युवक का भी हाथ झुलस गया है। दुकान में रखी नकदी और हजारों का सामान भी जलकर राख हुआ। इस हादसे में भयानक आग के आगे लोग भी बेबस दिखे। किराने की दुकान में मिठाई बनाते हुए यह हादसा हुआ है। बता दें आपको, जटहा बाजार थाने के मनसा छापर बाजार में यह घटना हुई। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जनपद संभल में पंचायत चुनाव से पहले संभल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चार थानों की पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 जिला बदर। जिला बदर होने के बाद भी जिले में जिला बदर रह रहे थे। पंचायत चुनाव में माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते ही ये कार्रवाई की गई है। एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर 200 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। थाना कुड़ फतेहगढ़, धनारी, बहजोई और सदर कोतवाली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
चार थानों की पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 जिला बदर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है जनपद संभल में पंचायत चुनाव से पहले। संभल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां चार थानों की पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 11 जिला बदर। जिला बदर होने के बाद भी जिले में ही रह रहे थे ये जिला बदर। पंचायत चुनाव में माहौल बिगाड़ने की आशंका के चलते ही ये कार्रवाई की गई है। इधर एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर 200 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। थाना कुड़ फतेहगढ़, धनारी, बहचोई और सदर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की। बरेली में लाइसेंस शस्त्र नहीं हुए जमा, लापरवाह थानेदार अब तक नहीं करा पाए लाइसेंसी शस्त्र जमा। पंचायत चुनाव को लेकर 23,000 लाइसेंसी शस्त्र जमा है, लेकिन 11,000 शस्त्रधारी हुए हैं लापता। पुलिस के लिए ये चुनौती बने हैं। 40% शस्त्र लाइसेंसी अभी तक जमा नहीं हो सके हैं, इसमें कुछ लापरवाह दानेदार की वजह से ये जमा नहीं हुए। एसएसपी ने आंकड़ा मांगा तो 28 थानों में से सबसे कम थाना सीबीगंज रहा, जो केवल 21% शस्त्र जमा करा पाए। इस पर कप्तान ने नाराजगी भी जताई और कहा कि अगर नहीं हुए हैं जमा तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि जो कहा गया है वो उस हद तक कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में लाइसेंस शस्त्र जमा नहीं किए गए हैं लापरवाह थानेदार, अब तक लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करा पाए, जिन पर सख्ती बरती जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर 23,000 लाइसेंसी शस्त्र जमा करने थे, लेकिन 11,000 सहस्त्रधारी हुए लापता। पुलिस के लिए अब ये बड़ी चुनौती बन चुके हैं। 40% शस्त्र लाइसेंसी अभी तक इसमें से जमा ही नहीं करा पाए हैं शस्त्रों को, और इसके कुछ लापरवाह दानेदार की वजह से भी ये ऐसा हुआ है। एसएसपी ने आंकड़ा मांगा तो 28 थानों में से सबसे कम थाना सीबीगंज रहा है, जो केवल 21% शस्त्र यहां जमा करा पाए। और इस पर कप्तान ने नाराजगी भी जताई और साथ ही कहा कि अगर जमा नहीं हुए हैं तो कार्रवाई के लिए ये लोग तैयार रहे। टोलकर्मियों की खुलेआम गुंडागर्दी, बरेली में टोलकर्मियों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, जहां प्रधान सहित महिलाओं को पीटा गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। टोल कर्मचारी गुंडों ने प्रधान सहित परिजन महिलाओं को पीटा है। प्रधान आ रहा था उत्तराखंड से परिवार के साथ वापस, थोड़ी सी कहासुनी में ही टोल कर्मियों ने प्रधान सहित परिवार से मारपीट की। प्रधान जा रहे थे अपने परिवार के साथ किसी बात को लेकर, टोल कर्मियों ने गंदी गालियां दी। थाना बहेड़ी क्षेत्र के उत्तराखंड टोल की ये पूरी घटना है, जहां पर टोल कर्मियों ने मारपीट की है। गुंडागर्दी खुलेआम देखने को मिली टोल कर्मियों की। बरेली में टोल कर्मियों की खुलेआम ये गुंडागर्दी का नजारा देखने को मिला, जब प्रधान सहित महिलाओं को पीटा गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। टोल कर्मचारी गुंडों ने प्रधान सहित परिजन महिलाओं को भी पीटा है। प्रधान उत्तराखंड से परिवार के साथ वापस आ रहा था, थोड़ी सी कहा सुनी हुई, जिसके बाद टोल कर्मियों ने प्रधान सहित परिवार से मारपीट कर ली। प्रधान जा रहे थे अपने परिवार के साथ किसी बात को लेकर, टोल कर्मियों ने उन्हें गंदी गालियां दी, जिसके बाद बात बढ़ गई। थाना बहेड़ी क्षेत्र के उत्तराखंड टोल की यह पूरी घटना है।